व्हेन अ वुमन राइजेस, यस, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उस चीज से. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने अपनी लाइफ में कमाना शुरू किया जब मैं महज 12 साल की थी. जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना फर्स्ट स्टोर वडोदरा में खोलना है, तो मैंने बोला, मम्मा मुझे अपना बिजनेस ऐसी जगह स्टार्ट करना है जहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई मुझे जानने वाला ना हो. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ब्रांड के नाम से पहचाना जाना है, ना कि मुझे अपने नाम से पहचाना जाना है. माई विजन इज स्लो फैशन विथ सस्टेनेबल फैशन. हम लोग एक डिजाइन में सिर्फ 8 पीसेस बनाते हैं. हाँ. और वो 8 पीसेस अगर हमारे बिक जाते हैं, हाँ, तो हम लोग उसको रिपीट नहीं करते हैं. हमारा जो इंडियन कल्चर है और इंडियन जो चीजें हैं वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी, चाहे वो लहंगा चोली हो, साड़ी ब्लाउज हो या कुछ भी हो. ये सारा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का है. नीता अंबानी जी, उन्होंने NMACC में बाहर के फॉरेन सेलिब्रिटीज को बुला के और उनको हमारी साड़ी पहना के वॉक किया. एंड इंडियन फैशन इंडस्ट्री इज डेफिनेटली गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट. कल मेरे टीम मेंबर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि स्वाति, व्हाट डज फैशन मीन टू यू? मैंने कहा कि फैशन टू मी इज एन इमोशन, माय पर्सनैलिटी, माई स्किन. और अगर यही सवाल मैं किसी भी इंडिविजुअल से पूछूं, तो हर एक का एक अपना व्यू होता है फैशन से रिलेटेड. इनफैक्ट द लेजेंडरी फैशन आइकॉन कोको शनेल, एक उन्होंने भी एक कोट दिया था कि फैशन इज़ नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली, इट हैज़ टू डू विथ आइडिया, इट हैज़ टू डू विथ द वे वी लिव. तो आई गेस आप सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं. यस, आर गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड इज रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री. बॉर्न इन मांडवी, ब्रॉट अप इन गांधीधाम, एंड नाउ शी इज रूलिंग एंटायर इंडिया. शी इज अ मल्टी पैक्ड पर्सनैलिटी. शी इज एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेस वुमन, अ फैशन डिजाइनर, अ साड़ी ड्रेपर, अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, एंड CEO ऑफ द ब्रांड जस्ट ब्लाउजेज. Okay, Just Blouses is a couture house that totally makes designer as well as well-crafted blouses. Iski kuch 12+ outlets hain in Gujarat and beyond. And Just Blouses ki jo owner, jo CEO hai, Mrs. Vishali Shah, she is with us. Let's welcome her. Welcome to the episode, ma'am. Thank you so much. ओके मैम, वैशाली मैम, सबसे पहले तो मुझे बैक स्टोरी बताइए आप जस्ट ब्लाउजेस की. हाउ डिड यू गॉट इंस्पायर्ड? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड? कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब से वो क्रिएटिव दिमाग आया, क्रिएटिविटी करने का एक सोचा कि हाँ लेट्स जस्ट यू नो रन इनटू दिस फील्ड कि ये मेरा ही जॉनर है, ये कब शुरू हुआ मैम? ओके, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन. एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी 2012 की बात है. मुझे वैसे भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़्यादा आदत है. तो एक दिन यूं ही न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने एक हेडलाइन देखी, टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, और उसमें बताया गया था कि जितने भी मॉलेस्टेशन केसेस रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में, उसमें से 22% जो केसेस हैं वो लोकल टेलर्स की वजह से होते हैं. ओके, हाँ, मतलब जितने भी लेडीज़ के मॉलेस्टेशन केसेस आ रहे हैं पूरे इंडिया में रजिस्टर हो रहे हैं, उसमें से 22% लोकल टेलर्स की वजह से होते हैं. इवन आज भी आप गूगल करके देखोगे मॉलेस्टेशन केसेस ड्यू टू लोकल टेलर्स, तो यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन गूगल इन वेरियस न्यूज़पेपर्स. तो बिकॉज नियर प्रॉक्सिमिटी में टेलर्स ही होते हैं अगर हम देखा जाए तो. हाँ, तो क्या हुआ था कि उस वक्त वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो दैट आर्टिकल यू नो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा उसका असर हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है. मतलब लेडीज़ों को टेलर्स के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो सब रेडी मिल रही है. आप कुर्ती लेने जाओ, आप वेस्टर्न लेने जाओ, इंडो वेस्टर्न लेने जाओ, या कुछ और लेने, तो हर चीज़ अवेलेबल है. तो फिर लेडीज़ों को लोकल टेलर्स के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो मैंने सोचा चलो इस बात पे एक सर्वे किया जाए.
तो मैंने अपने गांधीधाम के एरिया में जितने भी आजू बाजू लोकल टेलर्स थे उनको मैंने एक शीट बना के दे दी। मैंने बोला आपके जितने भी कस्टमर स्टिच करवाने आते हैं तो उनसे आप सिर्फ टिक करवा देना कि वो क्या स्टिच करवाने आते हैं। तो मैंने पूरा एक महीने का सर्वे करवाया, कम से कम हम लोगों ने 25 अलग अलग टेलर्स के पास हम लोगों ने ये पर्चियाँ बांटी थी। अच्छा। और फिर हम लोगों ने उसका सर्वे करवाया, एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोगों ने सब वो कलेक्ट करके जब उसका निकाला तो हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द लेडीज जो हैं वो ब्लाउज स्टिच करवाने ही टेलर्स के पास जाती है। 99% बहुत रेयर कोई लेडीज ऐसी होती है कि जो ड्रेस या कुछ और सिलवाने जाती है, बट 99% ब्लाउज सिलवाने जाती है। तो ये बात तो तभी बहुत क्लियर हो गई थी कि लेडीजों को टेलर्स के पास क्यों जाना पड़ता है। फिर अब जब वो हमारे पास वो रिजल्ट आ चुका था तो फिर मैंने सोचा कि लेडीजों को अगर जाना पड़ रहा है तो क्यों जाना पड़ रहा है और वो चीज क्यों मार्केट में रेडी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने वो भी सर्च किया, लेकिन उस वक्त आज से इतने साल पहले रेडी ब्लाउजेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और लेडीजों को साड़ियां जब लेते थे तो उसके साथ एक अनस्टिच ब्लाउज पीस मिलता था जो वो लोकल टेलर्स के पास जाके सिलवाती थी और पहनती थी और उसी दौरान वो मॉलेस्टेशन की शिकार होती थी। तो विद दैट विजन इन माइंड कि हम लोग लेडीज को एक सेफ एनवायरनमेंट दे सके कि जहाँ पे जाके वो स्टिच करा सके या अपना रेडी परचेज कर सके, उस मोटिव के साथ हम लोगों ने ये ब्रांड शुरू की थी 2015 में, जस्ट ब्लाउजेस। ओके। और आपकी पहली आउटलेट, मैं मेरे व्यूअर्स को बता दूं, मैम ने पहली आउटलेट वडोदरा में खोली थी अपनी, राइट? और उसके बाद 12 प्लस कंटिन्यू है और अभी भी चल ही रहा है बियॉन्ड इंडिया, एंड इंडिया में तो है ये, इंडिया के बियॉन्ड भी मैम का चल ही रहा है। उस बात पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना फर्स्ट स्टोर वडोदरा में खोलना है तो घर पे जब मैंने ये बात शेयर की तो एक पेरेंट्स जो होते हैं आपको पता है कि वो हमारा अच्छा बुरा हर चीज में हम लोग को सजेशंस देते हैं। तो माय मॉम एंड डैड, उनको मैंने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया तो मेरी मम्मी ने ये बोला कि बेटा बिजनेस तो वहीं होता है जहाँ पे आपके पहचान वाले लोग हो, आपका ग्रुप हो, आपकी फैमिली हो, आपका सर्कल हो, तो वो बिजनेस चलता है। पर मैंने बोला मम्मा मुझे अपना बिजनेस ऐसी जगह स्टार्ट करना है जहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई मुझे जानने वाला ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ब्रांड के नाम से पहचाना जाना है, ना कि मुझे अपने नाम से पहचाना जाना है। अगर इस जगह पे मेरा प्रोडक्ट चल जाता है जहाँ पे कोई मुझे नहीं जानता है तो वो प्रोडक्ट कहीं पे भी चल सकता है। ओके। तो उस वक्त बहुत डांट भी खाई और फिर भी मैंने अपनी जिद पे शुरू भी किया। ओके। और विद इन 6 months आई वॉज एट माई ब्रेक इवन पॉइंट एंड देन देर वॉज नो लुकिंग बैक। ग्रेट। अब इसी बात पे ही मैम, व्हाट मेनी हाउ मेनी चैलेंजेस डिड यू फेस बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर, कैसे ओवरकम किया आपने और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि आई जस्ट केम अक्रॉस दिस आर्टिकल और फिर उसी वजह से मैंने सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए ही मैंने ये इस विजन से मैंने ये स्टार्ट किया। बट या इफ यू आस्क अबाउट द चैलेंजेस, इट वॉज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आई स्टार्टेड द स्टोर इन वडोदरा एंड बींग बिलोंगिंग टू अ रिमोट एरिया लाइक कच्छ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी to travel all the way to Vadodara. It takes I guess 6 to 7 hours by road to go to Vadodara. And I used to travel every alternate day, you can say. Oh god. I used to travel early morning, used to reach Vadodara, handle the clients, handle the store and every other things, and then used to stay there and come back. All alone I used to do that. So that was a very challenging thing for me till 6 months because the concept was new to the society. Ladies were not used to wear ready blouses. So to present that concept and make them, you know, comfortable ke bhai wo ready blouses kharide aur pehne, kyunki abhi tak to un log sirf wo blouse silwa ke pehnne ke aadi the. To ready blouses pehenna, mix match karna, wo concept logo ke dimag mein bithana aur unko us cheez ke liye prepare karna, wo ek kafi bada challenge tha.
द सेकेंड चैलेंज वॉज ऑफकोर्स बींग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड बींग अ वुमेन. ऑफकोर्स माई फैमिली वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, क्योंकि मुझे मेरे डैड ने, मेरे मॉम ने या मेरी फैमिली ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है मुझे. कभी उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं किया है. हाँ, उनका गाइडेंस मेरे सिर पर हमेशा रहा है. लेकिन जो कई बार ना एक जो व्हेन अ वुमेन राइजेस, यस, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उस चीज से. बिल्कुल बिल्कुल. कि एक वुमेन क्यों इतना आगे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, जज कर लेती है. ऑफकोर्स जज कर लेती है. कुछ लोग होते हैं जो लोग मतलब ना कई बार रूमर्स भी फैलाते हैं. यस, आज स्टार्ट करने के लिए लोग कई बार ये भी पूछते हैं इतना पैसा कहाँ से आया. Yes, कैसे किया. जी बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन चीज है कि हाँ, एक औरत को उठता देखकर अक्सर लोग इल्जाम लगा लेते हैं. एंड सेकेंडली बीइंग अ सिंगल वुमेन एंड डूइंग इट ऑल सिंगल हैंडेडली, आई हैड नो पार्टनर, नथिंग, तो लोग काफी मतलब उस वक्त ऐसे बोलते थे कि इतना कैसे कर सकते हैं, ये है वो है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में कमाना शुरू किया जब मैं महज 12 साल की थी. I started earning in my life when I was hardly in 8th standard. And I belong to a very service class family. My mom was a principal, my dad was a general manager in some private company. And उन लोगों ने मेरे education के पीछे, मेरे पीछे बहुत योगदान दिया है. हम लोग मांडवी में रहते थे और उन लोग गांधीधाम शिफ्ट हुए. क्यों? ताकि मुझे एक अच्छा एजुकेशन दे पाए, मैं अपनी लाइफ में कुछ बन सकूं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं. तो उन लोगों ने मुझे यहाँ पे गांधीधाम में आके शिफ्ट किया, अच्छा एजुकेशन दिया मेरे को, शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया. दोनों ने बहुत मेहनत भी की मेरे पीछे. लेकिन क्या हो जाता था ना कि बोथ वेयर सर्विस क्लास. एंड वन फाइन डे माई डैड मेट विथ एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उनको पैर में इतनी ज़्यादा चोट आई कि उनको रॉड फिक्स करना पड़ा. एंड ही वॉज ऑन बेड फॉर ऑलमोस्ट आई गेस 5 to 6 months. तो उस 5-6 महीने के दौरान उनकी नौकरी भी छूट गई और उन कम्प्लीटली बेड पे थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए मेरी मॉम को भी रिज़ाइन करना पड़ा. हाँ, तो अब दोनों जॉब करने वाले जब घर पे हो, तो यू कैन सी, आई मीन लाइक इमेजिन हाउ द कंडीशन विल बी. एक तो ऑलरेडी मेडिकल एक्सपेंसेस इतने, प्लस मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, और उस वक्त हम लोग रेंटेड घर में रहते थे. तो वो सब चैलेंजेस के बीच में मतलब मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा है स्ट्रगलिंग करते हुए और ऊपर उठते हुए. तो उस वक्त मतलब मैं 8वीं कक्षा में थी और मेरी मतलब समझो ना आप फाइनल एग्जाम खत्म ही हुई थी. तो मैंने अपनी मॉम को देखा था, सिंस शी वॉज ए प्रिंसिपल, तो बच्चों को पढ़ाते मतलब वो स्कूल में पढ़ाती भी थी, वहाँ पे भी थी, और फिर घर पे आके ट्यूशन्स भी करवाती थी. तो मैंने वो सब देखा था. तो मैंने भी फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया. उस वक्त मतलब मैं अपने घर के आसपास जितने भी अच्छे अच्छे फैमिलीज थे उनके बच्चों को घर पे प्राइवेट ट्यूशन देने जाया करती थी. स्कूल से आने के बाद खाना खा के बैग रख के सीधा पढ़ाने चली जाती थी और सब बच्चों को पढ़ा के रात को घर पे आके फिर अपना होमवर्क और अपनी स्टडीज पूरी करती थी. सो लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रगलिंग वन फॉर मी, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है. तो ऐसे 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 करके फिर मैंने वन फाइन डे अपना भी एजुकेशन कम्प्लीट किया और अपने खुद के कोचिंग क्लासेस में चलाती थी. ओके हाँ, तो मैंने कोचिंग क्लासेस भी मेरे थे. एंड आई हैड शेफ़ डिग्री, क्योंकि हाँ मैं कुकिंग अच्छा है. टूल मल्टी पैक पर्सनैलिटी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही मल्टी पैक पर्सनैलिटी मैंने इसीलिए बोला क्योंकि व्यूअर्स यू नो शेफ़ ट्यूटर, देन वी हैव सीईओ, वी हैव बिजनेस वुमेन, वी हैव साड़ी ड्रेपर, वी हैव सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, ऑल इन वन. तो मैंने शेफ़ का कोर्स भी किया था क्योंकि मैं खुद मतलब खाने की थोड़ी सी शौकीन हूँ. ओके. तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ मतलब उस ज़माने में आपको शायद पता होगा कि पेरेंट्स हमेशा अपनी लड़कियों को सारे ही क्लासेस करवाते थे, पार्लर का हो, मेहंदी का हो, ये वो. तो माय मॉम वाज आल्सो लाइक दैट के मतलब हर चीज़ आनी चाहिए. तो शी वाज लाइक शी यूज्ड टू सेंड मी टू ऑल द क्लासेस. तो कुकिंग क्लासेस भी मैंने सारे कर लिए.
तो उसमें से फिर मैंने अपना गार्डन रेस्टोरेंट भी शुरू किया था, विच आई रैन फॉर 3 इयर्स. ओके. हाँ, मतलब वो यहीं पे BMCB गार्डन में ही मैंने अपना गार्डन रेस्टोरेंट ओपन किया था. क्या बात है. एंड उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा बुटीक भी स्टार्ट किया था. दिस गार्डन रेस्टोरेंट एंड ट्यूशन क्लासेस वेर रनिंग पैरेलल. ओहो. हाँ, मतलब मैं शाम को 6-7 बजे ट्यूशन क्लासेस खत्म करने के बाद आई यूज टू गो एंड लुक आफ्टर द रेस्टोरेंट. ऐसा होता था शेड्यूल. इट्स ऑलवेज बीन अ स्ट्रगलिंग वन. और आई थैंक गॉड कि जैसा भी मुझे जो भी मैंने लाइफ में देखा उससे आज मैं इस तरह से आपके सामने हूँ. तभी बोलते हैं ना, बैड टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पीपल. ऑफ कोर्स. चलिए, बहुत अच्छा बाप. अच्छा मैम, अब आप जब भी मेरे मन में क्यूरोसिटी थी कि जैसे जब भी आप अपना न्यू कलेक्शन रिलीज करती हैं, है ना, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस आपके कलेक्शन को लेकर? क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका? क्या इंस्पिरेशन रहती है आपकी अब हमेशा अपने नए कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने से पहले? बिकॉज मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 7 pieces of single outfit, 7 sizes, right? Yes. 7-7 का रेशियो रहता है. हाँ, I am not wrong. इसमें कैसा है, to be very honest, आप अगर दूसरी ब्रांड्स को आप देखोगे, तो उनका जो विजन है और मेरा जो विजन है, माई विजन इज स्लो फैशन विथ सस्टेनेबल फैशन. ओके, ठीक है. मैं शुरू से ही ऐसी फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहती थी जो कि सस्टेनेबल हो. ये नहीं कि आज खोल दिया कल बंद हो गया. द लेगेसी शुड गो ऑन, मेंटेन होनी चाहिए. तो जब मैंने अपना पहला स्टोर खोला, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 6 महीने तक तो मैं रोज ट्रैवल करती थी एवरी ऑल्टरनेट डे वडोदरा जाके. आई यूज टू हैंडल द क्लाइंट्स. तो जब वहाँ पे क्लाइंट्स आते थे, तो हर कोई अपना अपना रिव्यू देके जाता था कि ऐसा भी ब्लाउज होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए. कुछ एजेड लेडीज आती थी, तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग तो ऐसे फैशनेबल ब्लाउजेस नहीं पहनते हैं. हाँ. तो हमको ऐसे चाहिए. तो हम लोगों ने अपना कलेक्शन में वो ऐड किया. ओके. एक दिन तो ऐसा हो गया, मतलब हमारा स्टोर हम लोगों ने जस्ट ओपन किया और एक लेडी हमारे वहाँ पे आई एंड शी वाज लाइक कि हमारे घर पे सडन डेथ हो गई है और हमको बहुत सारे फ्यूनरल ब्लाउजेस चाहिए घर की लेडीज़ों के लिए. अभी इतना जल्दी तो टेलर कोई स्टिच नहीं करके देगा, तो डू यू हैव प्लेन वाइट ब्लाउजेज या प्लेन ब्लैक ब्लाउजेज चिकन के जो हम लोग फ्यूनरल में पहन सकें? तो एट दैट टाइम हमारे पास वो ब्लाउजेस नहीं थे. लेकिन उस चीज से हमको पता चला कि ये भी रिक्वायरमेंट है. तो उस दिन से अब हम लोग अपने कलेक्शन में वो भी रखते हैं. तो उस पर से तो एक एक कस्टमर्स को हैंडल करते करते हम लोगों ने हमारी ब्रांड में इम्प्रूवमेंट्स लाए. फिर जैसे कोई यंग क्लाइंट्स आते थे जो मतलब स्कूल में आपको पता है फेयरवेल होता है या कॉन्वोकेशन होता है, तो उस वक्त उन लोग साड़ीज पहनते हैं. तो साड़ी तो चलो मम्मी की पहन लेते हैं, लेकिन ब्लाउज आजकल की जनरेशन को ना वेरी एक्सपेरिमेंटल जनरेशन है आजकल की. हर किसी को अलग दिखना है, थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना है, मॉडर्न दिखना है. बिल्कुल. तो उस चीज को लेके हम लोगों ने थोड़े से अपने मॉडर्न कलेक्शन लॉन्च किया. तो रिसेंटली अभी आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी, आपको पता है रॉकी रानी वाला. तो मतलब लोग जितने भी यंगस्टर्स आते थे, एवरीवन वाज लाइक रॉकी रानी वाला ब्लाउज है, रॉकी रानी वाला ब्लाउज है. एंड वी वर लाइक हाँ, हमारे पास है. एंड दैट वाज अवर हॉट सेलिंग पीस ड्यूरिंग द नवरात्रि आल्सो. मतलब पहले क्या होता था कि लोग कच्ची वर्क के ब्लाउजेस या वो सब पहनना प्रेफर करते थे, लेकिन फिर वो पूरा साल नहीं पहन सकते क्योंकि वो सिर्फ नवरात्रि में काम आता है. लेकिन इस बार लोगों ने ये रॉकी रानी वाला ब्लाउज तो इतना पहना है नवरात्रि में, इतना पहना है और राउंड द ईयर पहना है. हाँ. मतलब और ये ट्रेंड चल भी रहा है लोगों को. मतलब जो आलिया भट्ट ने ट्रेंड सेट किया, वो हम लोगों ने लोगों को पहना के. अच्छा, और ऐसा नहीं है ये कुछ नया ट्रेंड है, ये हमारी मम्मीज भी पहनती थी. हाँ, हमारी दादी मम्मी अगर आप देखें. हाँ, ये पुरानी जो मूवीज होती थी आपने शर्मिला टैगोर, नूतन और हाँ, ये सबको आपको देखा होगा ये इस टाइप के ब्लाउजेस पहनते हुए. ट्रेंड कम एंड गो, मतलब कहते हैं ना पुराना ट्रेंड आता ही रहता है, बस उसको नाम नया दे देते हैं. अभी जैसे रॉकी रानी नाम से फेमस हो गया ये ब्लाउज. ग्रेट मैम. ओके, तो जैसे हमने बात करी, अभी आपने मुझे बताया कि यू हैव फैशन फॉर ऑल ओकेजन. तो जैसे आजकल वी आर सीइंग के सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल, आई नो, इन यू नो मार्केटिंग इन एवरी फील्ड. ऑफ कोर्स. राइट. तो
आपके हिसाब से हाउ डज सोशल मीडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर अप्रोच इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ योर ब्रांड? सी, सोशल मीडिया का ट्रेंड वैसे ही काफ़ी बढ़ चुका है. आज की जनरेशन को या किसी को भी आप देख लोगे, किसी को कुछ परचेज करना है तो उससे पहले उन लोग गूगल में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में कहीं ना कहीं सर्च करेंगे कर लेते हैं. तो वो जो कीवर्ड्स डाल के उन लोग सर्च करते हैं जी. उस पर से पता चलता है कि उन लोग क्या, क्या, क्या सर्च करते हैं. आपको भी पता है कि SEO और बिल्कुल हाँ, तो वो सब चीज़ें आज बहुत मेजर रोल है. और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आजकल तो मतलब पहले क्या होता था कि एक टाइम था कि जब हम लोग कपड़े भी पहनने तो मम्मी को या घर के बड़ों को पूछ के पहनते थे. लेकिन आजकल की जनरेशन कैसी है, या तो वो पिक्चर्स के या सीरियल के टेलीविजन स्टार या फिल्म स्टार से मोटिवेट होके स्टाइलिंग करते हैं, या तो फैशन इन्फ्लुएंसर्स दे एक्सपेरिमेंट विद द फैशन ऑफ कोर्स. तो मतलब जितना उन लोग फैशन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे भी पहनी जा सकती है, इसको इसके साथ भी टीम अप किया जा सकता है, तो वो सब देख देख के ना लोग आते हैं शॉपिंग करने. अब उनको पता चलता है कि हाँ ऐसे भी पहन सकते हैं, मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं, ये सेम चीज हम ऐसे इंडो वेस्टर्न की तरह भी पहन सकते हैं. तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज लाइक You can say the god of fashion. Okay, ma'am. Fashion industry में जैसे हम देखें तो कई ऐसे myths, कई ऐसे misconceptions रहते हैं कि like newcomers के लिए, especially जो newcomers जो fashion industry में पहली बार जाते हैं उनके लिए काफ़ी ऐसे misconceptions आते हैं सामने. For example, कि fashion industry में तो like हर occasion पे you know you have to look stylish, you have to do this, you have to do that, और हमेशा latest trend के साथ बने रहो, and फैशन इज काइंड ऑफ सुपरफिशियल. तो ये सब मिथ्स, बीइंग अ न्यूकमर, आप भी न्यूकमर थी जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, क्या आपने भी ये सब मिथ्स आपके समय पे भी आए थे, एंड व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड देम? सी, एज यू से इट इज अ मिथ, इट इज राइटली सेड इट इज अ मिथ. आज की यंग जनरेशन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ये सब चीजें देख के, क्योंकि उन लोग देखते हैं टीवी को या उन लोग देखते हैं सीरियल को. अब सीरियल में आप देखोगे एक ही लेडी एक ही एपिसोड में चार बार ब्लाउजेस अलग अलग पहनती है, विच इज नॉट पॉसिबल इन अवर डे टू डे लाइफ. आज इंडियन वुमेन प्रैक्टिकली जब ऑफिस जाती है अगर साड़ी पहन के, तो वो सुबह से जो ब्लाउज पहना है वही रात को भी आके घर पे वही पहना हुआ होगा. तो ये सब चीजें मतलब क्या होता है कि लोगों को उस चीज का थोड़ा सा मैं कहती हूँ अभाव है शायद फैशन का. फैशन को उन लोगों ने मतलब उस तरह से ले लिया है कि ये मतलब रोज चेंज होना चाहिए, रोज नया होना चाहिए. लेकिन मैं कहती हूँ वो सस्टेनेबल होना चाहिए. आप जो चीज पहनो दैट शुड बी सस्टेनेबल, क्योंकि अगर आपकी चीजें सस्टेनेबल नहीं होंगी तो आप उतना डिस्कार्ड करोगे. आपको शायद पता होगा जो फैशन फोरम ने अभी बहुत सारी ब्रांड्स को बैन किया है, पैनलाइज किया है. क्यों किया है? क्योंकि इतनी ज्यादा फैशन फॉरवर्ड है वो लोग कि हर बार नया कलेक्शन, हर बार नया कलेक्शन, और फिर उनका डेड स्टॉक का जो पूरा ये होता है उससे लैंडफिल में और इन सब में वो सब चीजें उन लोग डालते हैं, तो बहुत हार्म होता है वो. लेकिन मैंने क्यों ये चीज को चुना है ब्लाउज को, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर अपने घर पे भी अपनी मम्मी को या दादी को पूछेंगी तो साड़ी एक ऐसी चीज है जो उनकी सालों साल पहले की साड़ी भी उन्होंने संभाल के रखी होगी. उसके साथ का ब्लाउज भी अगर उसको नहीं भी हो रहा होगा तो वो सिलाई खोल के भी पहनेगी. बिल्कुल, क्योंकि वो साड़ी की फैशन कभी जानी जा ही नहीं सकती है. ठीक है, आपने भी कभी अपने फेयरवेल के टाइम पे अपनी मम्मी की या किसी की साड़ी मांग के पहनी होगी. जी जी बिल्कुल. तो एक साड़ी के साथ हम इंडियन लेडीज का जो लगाव है, जो हमारी मेमोरीज है, एवरी साड़ी हैज अ स्टोरी. यस बिल्कुल, डेफिनेटली एवरी साड़ी हैज अ स्टोरी. यस, तो मतलब हर किसी की एक याद उसके साथ जुड़ी हुई रहती है. कोई बोलेगा ये मेरी सगाई की साड़ी है, कोई बोलेगा ये मेरी शादी की साड़ी है, ये मैंने पगफेरे में पहनी थी, ये मैंने शादी के बाद मेरे को गिफ्ट दी थी, ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी की गिफ्ट है. तो मतलब हर साड़ी के साथ लोगों की एक अलग अलग इमोशंस जुड़े हुए होते हैं. तो अब क्या करते हैं, वो साड़ी उन लोग फेंकेंगे नहीं, नहीं, वक्त जाते हुए उसके साथ उन लोग एक नया स्टाइलिश ब्लाउज ले लेंगे, लेकिन साड़ी को नहीं फेंकेंगे. बिल्कुल नहीं. तो दैट कीप्स इन ट्रेंड. तो एक वही चीज है कि मतलब
आज लोगों के दिमाग में जो मिथ है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर आई कैन सी. हमारा जो इंडियन कल्चर है और इंडियन जो चीजें हैं वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी, चाहे वो लहंगा चोली हो, साड़ी ब्लाउज हो या कुछ भी हो. ये सारा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का है. और वेस्टर्न कल्चर क्यों आज हमारे इंडियन फैशन पे इतना हावी हुआ है, क्यों? तो उसका भी एक रीजन है कि बाकी सारी चीजें रेडीमेड मिल रही थी, आज लोगों ने साड़ी पहनना क्यों छोड़ा, क्यों ब्लाउज सिलवाने जाना, मेजरमेंट देना, फिर वही चीज टाइम पे ना मिलना, ऑल्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स, और वर्किंग वुमेन को टाइम नहीं है, तो उस वजह से लोग सोचते हैं यार छोड़ो ना साड़ी क्या पहनना, उससे अच्छा तो हम लोग वेस्टर्न कुछ भी उठा के पहन ले. लेकिन अब जब हम लोगों ने ये ब्रांड लॉन्च की है तो नाउ वी कैन सी, अब लोग आते हैं अपना ओपिनियन देते हैं कि जब से ये आया है तो तब से तो हम लोग वापस साड़ी पहनना शुरू कर दिए. और अभी आपने शायद देखा भी होगा के अपने नीता अंबानी जी, उन्होंने NMACC में बाहर के फॉरेन सेलिब्रिटीज को बुला के और उनको हमारी साड़ी पहना के वॉक किया और उन्होंने अपनी स्वदेश ब्रांड भी लॉन्च की. स्वदेश में आप देखोगे तो पूरे इंडिया का जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, जो हर एक स्टेट की जो स्पेशल वीव है वो वहाँ पे उन लोग डायरेक्ट वीवर्स से वहाँ पे आपको सेलिंग कर रहे हैं. तो इन शॉर्ट दे आर सपोर्टिंग ऑल द ट्रेडिशनल वीवर्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया. तो मतलब अब उस चीज को इतना, मतलब आप देखोगे अब फॉरेन सेलिब्रिटीज से लेके हमारे इवन इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इतनी साड़ियां पहनते थे और उसको देख देख के हमारे जो भी अभी की जनरेशन है वो भी साड़ी पहनना चाहते हैं. अब जिसको साड़ी पहनने नहीं भी आती है तो अब उसके ऑप्शन है, रेडी टू वेयर साड़ी मिल रही है. तो मतलब अब एक अच्छा लगता है कि हमारा कल्चर अब वापस रिवाइव हो रहा है, लोग वापस हमारे कल्चर से जुड़ रहे हैं. तो बस वही एक उम्मीद के साथ के लोग हमारा कल्चर छोड़े नहीं, ये ब्रांड हम लोगों ने शुरू की थी और कई हद तक हम लोग उस चीज़ में सफल भी रहे हैं कि हम लोगों ने लोगों को वापस साड़ी पहनना शुरू करवा दिया. वाओ, ग्रेट मैम. ओके मैम, हु हैज़ बीन योर मेंटोर इन दिस जर्नी? ये एक क्वेश्चन जो मेरा खुद का पर्सनल, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी जवाब दें कि आपके पूरी इसमें फील्ड में, क्योंकि मेंटोरशिप के बिना किसी भी फील्ड में आप जाएं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. देयर हैज टू बी सम गाइडेंस. तो आपकी जर्नी में कौन गाइडेंस है? दैट क्रेडिट सोली आई गिव टू माय मॉम एंड माय ग्रैंडमदर. ओके, या मतलब मेरी ग्रैंड मदर, आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली. मैं आपको बता दूं, मेरी ग्रैंड मदर भी प्रिंसिपल थी मांडवी में. ओके, मेरी मॉम भी प्रिंसिपल थी. ओके, एंड माय थ्री पैटर्नल आंट्स, मतलब मेरी तीनों बुआ, वो भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं. ओहो, तो आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली. एंड मैंने शुरू से अपनी दादी को देखा था कि वो प्रिंसिपल रहती थी तो तभी मतलब स्कूल से आएंगी एंड इवनिंग में वो स्टिचिंग क्लासेस चलाती थी. ओके, मांडवी में वहाँ की आजू बाजू की लेडीज को मशीन चलाना सिखाना, कटिंग करना सिखाना. अच्छा, हाँ, तो वो सब मैंने अपनी दादी को देखा है करते हुए. अच्छा. सेम चीज जब मेरी मॉम गांधीधाम में शिफ्ट हुई तो उन्होंने भी, मतलब शी वाज आल्सो प्रिंसिपल. तो जब स्कूल से आती थी उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी निभा के ये वो करके, एंड देन शी आल्सो यूज टू गो टू आदिपुर. वहाँ पे उस टाइम पे ये तोलानी कॉलेज ने स्टिचिंग के क्लासेस चलाते थे. अच्छा. नोडल ग्रुप करके कुछ था. okay. और उन लोग चलाते, तब तो ये फैशन इंस्टीट्यूट्स थे नहीं, इतना ट्रेंड भी नहीं था. तो उस जमाने में मेरी मम्मी ने जेंट्स और लेडीज कटिंग में और किड्स कटिंग में डिप्लोमा किया हुआ. सो इट वाज इन द जीन्स, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन से दैट. सो इट इज ऑल इन द जीन्स व्हिच इज लाइक यू नो कमिंग आउट लाइक दिस. तो मेरे को ऑफकोर्स मैंने भी फैशन डिजाइनिंग किया है, लेकिन कभी भी आज की डेट में भी अभी मुझे कभी कोई भी डाउट भी होता है तो फर्स्ट आई अप्रोच माय मॉम कि मम्मा इसकी कटिंग कैसे होगी, हाउ टू ड्राफ्ट दिस, हाउ टू मेक पैटर्न आउट ऑफ दिस, एंड शी इज ऑलवेज देयर टू यू नो गिव मी हर आइडियाज. हां, द मॉम्स आर द बेस्ट, दे मॉम्स आर द बेस्ट हीरोज. हां, तो आई कैन गिव सोली ऑल द क्रेडिट टू माय मॉम. ओके, ओके मैम, एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आपने काफी सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को स्टाइल किया है. किश्वर मर्चेंट राय, देन वी हैव जानकी बोदीवाला, ईशानी दवे, मिथिला पालकर, नीलम पंचाल, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. I know. So, how do you make sure कि ये celebrities, आपकी styling से celebrities ना comfortable feel करें, confident feel करें, and could you share with us any such moment, memorable moment, any celebrities के साथ काम करते हुए कोई ऐसा memorable moment अगर आपको याद आ रहा हो तो. Of course, I have
लॉट ऑफ सेलिब्रिटी क्लाइंट्स कहो या मेरे फ्रेंड्स कहो, मतलब अब उनसे मेरे रिलेशन इतने अच्छे हो गए हैं कि अब मैं उनको क्लाइंट्स नहीं कह सकती, दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड. अब ऐसा हो गया, फैमिली जैसा हो गया है. लाइक अब तो उनको कुछ भी होगा तो दे विल जस्ट कॉल मी, वैशाली आज कॉल आया है और कल शाम को इवेंट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, साड़ी ब्लाउज भेज दो. तो इट इज लाइक दैट, आई एम जस्ट वन कॉल अवे फॉर देम. तो एंड दे ट्रस्ट माई स्टाइलिंग, उनको पता है कि वैशाली को उतना नॉलेज है कि किस ओकेजन पे क्या पहनना है, कैसे पहनना है एंड हाउ टू मेक देम लुक यू नो गुड इन दैट. तो अब पहले उन लोग मुझे थोड़ा सा अपना सजेशंस देते थे कि वैशाली ऐसा कुछ भेजो ऐसा कुछ भेजो, बट नाउ दे आर लाइक इट्स ऑल अप टू यू, व्हाटएवर यू सेंड वी विल वेयर इट ब्लाइंडली. ऐसा हो गया. तो अभी रिसेंटली हमारा एक, जैसे आपने नेशनल अवार्ड विनर हमारी नीलम पंचाल है, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और अभी उन लोगों ने रिसेंटली हमारे लिए रैंप वॉक भी किया था, शी वॉज माई शो स्टॉपर. ओके. जो रेडिसन में हमारा फैशन शो हुआ था. अच्छा. तो शी वॉज माई शो स्टॉपर. तो अभी ही मतलब एक उनका ओकेजन था, नीलम पंचाल की जो बेस्ट फ्रेंड थी आर्या वोरा, आपने नाम सुना होगा, शी इज अ फेमस ट्रैवल ब्लॉगर. आर्या वोरा की शादी काफी चर्चे में रही, शी गॉट मैरिड इन स्पिटी वैली, जहाँ पे मतलब -25-28 degrees था. इस माहौल में उन्होंने शादी की और उन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया उसमें. तो और नीलम पंचाल उसकी बेस्ट फ्रेंड आर्या वोरा की, तो मुझे नीलम ने एक महीने पहले फोन किया, वैशाली मेरी फ्रेंड शादी कर रही है. मैं बोला ओके, तो शादी के आउटफिट्स मैं भेज दूंगी आपको, जो भी शादी में पहनना है हल्दी मेहंदी सब भेज दूंगी. नहीं नहीं वैशाली, ऐसा नहीं है, शादी स्पिटी वैली में हो रही है, -25 degrees में हो रही है. मैं बोला वेट वेट वेट, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? एंड शी वॉज लाइक, हाँ वैशाली मैं सच बोल रही हूँ, स्पिटी वैली में शादी हो रही है -25. तो मैं बोला तुम क्या ही कपड़े पहनोगी वहाँ पे, इतनी ठंड में कैसे पहनोगी कैसे करोगी? नहीं वैशाली, मैं कपड़े भी पहनूंगी, मुझे रील भी बनानी है बर्फ में जाके और मुझे अच्छा भी दिखना है. तो दैट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी बींग अ स्टाइलिस्ट, कि उनको अच्छा भी दिखाना है, पतला भी दिखाना है, उनको रील भी बनानी है और एज ग्लैमरस एज पॉसिबल, और ऊपर से वो -25 degrees में सर्वाइव भी करना है जी. तो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड बट नीलम वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बोला ठीक है अब चैलेंज है तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं और बना भी देंगे. एंड देन आई जस्ट मेड आउटफिट आउट ऑफ वेलवेट फॉर हर, कि वेलवेट ऐसा कपड़ा है कि जो गर्म रहेगा आपके लिए और थोड़ा सा स्किन को आपको वार्म रखेगा, और उसमें भी हमने उसको स्ट्रेचेबल वेलवेट की साड़ी बना के दी रेडी टू वेयर, कि मतलब उसको तैयार होने में भी जस्ट 2 minutes में वो रेडी हो सके. प्लस स्ट्रेचेबल वेलवेट है तो वो बॉडी से स्टिक होके रहती है, तो मतलब उनका जो उनको बॉडी कॉन शेप चाहिए था वैसा वो भी हम लोगों ने कर दिया, और उसके अंदर उन्होंने सब बॉडी वार्मर ये सब पहना था, उसके बावजूद भी वो इतनी मोटी नहीं दिख रही थी एंड शी वॉज कम्फर्टेबल मेकिंग द रील्स इन द स्नो. सो आप उसके प्रोफाइल पे जाके अगर देखेंगी तो रील आपको दिखेगी कि उन्होंने बर्फ में मजे से चांदनी वाली रील और सारी रील्स बनाई है एंड शी वाज सो हैप्पी विद दैट. ओके ग्रेट मैम. मैम योर ब्रांड जस्ट ब्लाउजेज ये फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, अपने फैशन के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना, यू मेक वुमेन फील स्ट्रांग थ्रू योर आउटफिट्स. सो मैम आप अपने ब्रांड के एथिक्स को कितना सपोर्ट करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, वुमेन राइट्स की तरफ, आपका ब्रांड कितना फॉलो करता है, कितना सपोर्ट करता है? मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जैसे मैं खुद खड़ी हुई हूँ अपने पैरों पे और आज इस मुकाम पे हूँ, तो मैं चाहती हूँ दूसरी भी लेडीज़ इस तरह से आगे बढ़े. तो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि नहीं, लेडीज़ों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए. तो जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग करते हैं. हमारे स्टोर्स में हम लोग उन्हीं लेडीज़ को रिक्रूट करते हैं हु आर मोस्टली सिंगल मदर या डिवोर्सी है या ऑर्फन है, यू नो. तो क्या है कि उनको हम एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस दे सके, कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, अपनी जिम्मेदारियां उठा सके, ना कि किसी के सामने हार जाए. दूसरा कि ऐसे काफ़ी लेडीज़ आती हैं कि जिनको काम की ज़रूरत होती है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं, तो हम लोग वैसी लेडीज़ों को भी रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं
स्किल्स डेवलप करते हैं उनमें, और फिर जब एक बार वो प्रॉपर सीख जाती है काम पे, तो तब हम लोग उनको यहाँ पे हमारे यहाँ पे वेरी अप्रिशिएबल एफर्ट. जस्ट ब्लाउज इज नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स कहते हैं ना एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का भी काम करती हैं वैशाली मैम, एंड दैट्स रियली अप्रिशिएबल. ओके मैम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. That's a very difficult question. It has to be, because अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रही हैं, तो there has to be, you know, आप कैसे मैनेज करती हैं? How do you, even I want to know the tips and tricks to manage work life. देखो उसका भी मैं श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनको देखा है जब बचपन से, कि जब वो भी काम करती थी, हमको फैमिली को मैनेज करती थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती थी, तो ये सब चीज़ें मैंने बचपन से मेरी मॉम को, मेरी दादी को देखा है. ओके. पर क्या है कि उस वक्त उतना कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था. जी. लेकिन अब आप देखोगे तो लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा है, अपने काम में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है. हर चीज़ में, मतलब आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी काम ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, एवरीवन हैज अ कंपटीशन, और हर कोई भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, अपना कुछ अचीव करना है. बट उस चीज के साथ अपना माइंड और बॉडी, वो दोनों मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट मेंटेन योर माइंड एंड बॉडी, यू वोंट बी एबल टू वर्क. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, राइट? राइट. बाकी सब चीजें पॉसिबल होगी ओनली इफ यू हैव योर गुड हेल्थ इन हैंड. यस. तो मेरा ऐसा है कि आई एम ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मतलब शुरू से मेरे को ऐसा है कि मैं हमेशा ही, मतलब आई एम अ अर्ली राइजर. ओके. जल्दी सोना, जल्दी उठना. ओके. मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ. That is around 4:30. Yes, yes. ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मेडिटेशन करना, उसके बाद इधर आई गो फॉर जॉगिंग और साइकिलिंग. ओके. फिर घर आके एक आध घंटा आई डू माई योगा और आई डू माई जिम. मेरे घर के अंदर ही जिम है, तो मैं वही करती हूँ, जिम करती हूँ, योगा करती हूँ, और उसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन द डे स्टार्ट लाइक दैट. लेकिन आई मेक श्योर कि मैं इवन संडे को भी, अगर छुट्टी का दिन है, तो आई डू वर्कआउट. ओके. तो बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट, मेडिटेशन और बैलेंस फूड ऑफकोर्स. बैलेंस डाइट बहुत कम, मतलब आपने मुझे देखा होगा कि मैं जंक फूड खाती हूँ, बहुत कम. मुझे आज की डेट में भी मुझे घर का खाना ही पसंद है. मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ. एंड अदर देन दैट, बीइंग इन दिस फील्ड, लाइक आपको पता है कि जब आप इस फील्ड से जुड़े हुए होते हो, एवरी डे आपको बहुत सारी पार्टीज, ये वो सब होता ही है, एंड यू मीट लॉट ऑफ पीपल हु आर एडिक्टेड टू लिकर और स्मोक और हुक्का और समथिंग लाइक दैट. बट आई हैव केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज आई नो दीज आर ऑल हार्मफुल टू मी एंड माई हेल्थ. सो फॉर द वेल बींग ऑफ माई बॉडी एंड माई वर्क, आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, कीप माई सेल्फ हेल्दी, फोकस ऑन माई वर्कआउट, फोकस ऑन माई फूड, फूड हैबिट्स, रूटीन एंड एवरी थिंग. ओके मैम, जब आपने अपना जस्ट ब्लाउजेस का ब्रांड जब स्टार्ट किया था, तो We want to know आपके कस्टमर्स के रिव्यूज तब से लेकर अभी तक क्या रहे. कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी भी याद है, उस समय का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें. डेफिनेटली देर आर मेनी इंस्टेंसेस लाइक दैट. बहुत सारे ऐसे वो हैं, मतलब कि मैं आपको, पर एक छोटा सा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. जी. मैं मतलब वडोदरा स्टोर में थी उस वक्त, और एक क्लाइंट वहाँ पे आए विजिट करने, एंड शी वाज लाइक कि मुझे एक ब्लाउज चाहिए, हमारा एक रिसेप्शन में जाना है, तो मुझे अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है. तो मैंने उनको सारा अपना कलेक्शन दिखाया, फिटिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ अच्छा लगा उनको. बट देन शी वाज लाइक बहुत कॉस्टली है. ओके. आई सेड ओके, पर मैंने मैम को बोला, मैम दिस इज द प्राइस जो है वो यही है, एंड आई कैनॉट बार्गेन इन दिस थिंग, कि भाई चलो आप
मैं थोड़ा सा आपको डिस्काउंट कर दूँ या कम में बेच दूँ, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी नया नया स्टार्टअप है जी, एंड मेरे भी बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जी। आज हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं तो उसमें क्या होता है कि चलो आपको फोटोज डालना है, ऑर्डर्स लेना है और डिस्पैच करना है, उसमें इतना खर्चा नहीं होता है। कई बार क्लाइंट्स आते हैं ऑनलाइन तो सस्ता मिल रहा है, बट देन दे डोंट अंडरस्टैंड कि आज हम लोग जब एक शॉप लेके बैठे वी हैव लॉट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, प्लस हम लोग एक क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, लोग हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेक आउट द सैलरीज, वी हैव टू टेक आउट द लाइट बिल्स। लोग ये नहीं समझते ऑनलाइन में आपको अगर वो नहीं आए यू हैव टू रिटर्न, वो पूरा वो प्रोसेस के थ्रू जाना। यहाँ पे क्या है कि स्टोर में आके उन लोग फैब्रिक फील कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, फिर बाय कर सकते हैं, कुछ ऑल्टरेशन है तो वो भी इन स्टोर हो जाएगा। बट देन व्हेन यू ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन तो यू आर नॉट गारंटीड कि वो चीज अच्छी ही आएगी, बिल्कुल। और ब्लाउज तो ऐसी चीज है के थोड़ा सा भी लूज होगा तो लेडीज नहीं पहनेगी, टी शर्ट कुर्ती थोड़ी सी लूज होगी लोग चला लेते हैं, लेकिन ब्लाउज तो आपको पता है कि वो फिट्स के लिए ही उसके जो प्रॉपर फिटिंग होगी तो एनहांस करेगा लुक को, अगर वरना आपकी साड़ी भले 1.5 लाख की हो या 50,000 की हो या 500 की हो, ब्लाउज की फिटिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपकी कोई भी साड़ी का लुक बिल्कुल मर जाएगा। तो एक लेडी हमारे पास उस वक्त आई थी एंड शी वॉज लाइक कि बहुत कॉस्टली है। आई सेड मैम हमारा एक्सक्लूसिवनेस है कि हम लोग एक डिजाइन में सिर्फ 8 पीसेस बनाते हैं और वो 8 पीसेस अगर हमारे बिक जाते हैं तो हम लोग उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूंगी कि हमारी ब्रांड एक ऐसी ब्रांड है कि जो हम लोग ब्रांड वैल्यू के साथ हम लोग एक्सक्लूसिवनेस देते हैं। मतलब आज हम आप हमारे कोई भी स्टोर में जाओगे तो हर जगह आपको अलग कलेक्शन दिखेगा और वो हर अलग कलेक्शन में आपको 8 ही साइजेस मिलेगी। आपको वो साइजेस फिर ना दोबारा मिलेगी अगर सेल हो गई तो आप बोलोगे हमको कस्टमाइज करके दो, नो। ये इस तरह के ब्लाउजेस ना भी हल्दी के फंक्शन में और इन सब में बहुत पहने जाते हैं, यंगस्टर्स बहुत पसंद करते हैं। ये प्रॉपर मिरर वर्क है और ये पूरा बैकलेस है और इस तरह से पीछे ये मतलब इस तरह से इसका ये आता है, तो ये टाइप के ब्लाउजेस भी बहुत चलते हैं। फिर उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ जैसे लॉन्ग ब्लाउजेस हो गए चोली टाइप के किसी को, तो ये पूरा ऑथेंटिक इंडियन एम्ब्रॉयडरी के साथ है लॉन्ग ब्लाउजेस। हाँ ये पूरा हैंडवर्क है, पूरा हैंडवर्क ब्यूटीफुल। ये मतलब व्यूअर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दिस इज एंटायरली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। द कलर कॉम्बिनेशन ये मैम जैसे आप ही डिसाइड करती है ना वेल डूइंग द डिजाइन, क्या पैटर्न रहेगा, क्या कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। वेरी ब्यूटीफुल, सो यूनिक एंड सो एलिगेंट। इन सबको बनने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये सारा हैंडवर्क है, मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, हाथ से की हुई एम्ब्रॉयडरी, तो ये सब बनने में बहुत टाइम लगता है। फिर जैसे ये वाले ये थोड़े से मॉडर्न ब्लाउजेस हैं जो अपनी आजकल की यंग जनरेशन है कि जिनको मतलब थोड़ा सा कपड़ा वैसा ट्रेडिशनल चाहिए लेकिन पैटर्न वेस्टर्न चाहिए, तो उस टाइप के ब्लाउजेस हैं जी, तो ये भी बहुत चलते हैं। फिर आपको पता है अपना पटोला, पटोला साड़ीज भी इतनी फेमस है, तो उससे हम लोगों ने ये पटोला ब्लाउजेस बनाए विच आर बैकलेस अगेन। तो मतलब इंडियन ट्रेडिशन के साथ थोड़ा सा वेस्टर्न मॉडर्न टच आ जाता है, तो कीपिंग इन माइंड द जनरेशन वाइज जनरेशन के हां भी कौन सी जनरेशन से क्या ये भी मतलब इस टाइप के हेवी एम्ब्रॉयडरी ब्लाउजेस झाल वर्क कहते हैं इसको। ओके हां, तो ये सब भी बहुत चलते हैं, तो दीज आर द ट्रेंडिंग ब्लाउजेस व्हिच यू नो पीपल लाइक टू वेयर एंड एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग। ये भी जैसे हमारे हैंडवर्क वाले ब्लाउजेस हैं, ये भी सारा कसब का काम किया हुआ है। कि दूसरी ब्रांड्स में कैसा होता है कि आपने यहाँ से भी लिया वहां से भी लिया, तो 500 जने एक जैसा पहन रहे हैं, तो ब्रांड में पैसे डाल के भी आपको एक्सक्लूसिवनेस नहीं मिल रही है, जबकि वो चीज हमारे पास है। और लेडीज को तो ऐसे ही होता है कि जो जैसा हम पहन रहे हैं वैसा कोई और ना पहने, तो वैसा है। तो वही सेम चीज उस लेडी के साथ हुआ, उन्होंने उस दिन हमारे स्टोर पे हमको ये कह के बोला कि भाई आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है, मैं बाहर से खरीद लूंगी, बाहर मुझे इसी दाम में शायद साड़ी और ब्लाउज दोनों मिल जाएगा। वो चली गई, फिर 3 महीने बाद मैंने उनको वापस हमारे स्टोर पे देखा, तो मुझे थोड़ा सा उत्सुकता हुई कि जब हमारा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है इनको तो फिर वो वापस क्यों आए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 महीने पहले आप यही कह के हमारे स्टोर से चले गए थे कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। जी जी जी। तो एट दैट टाइम शी वॉज लाइक कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा कहा आपको। मैं मेरा क्यों मैम ऐसा क्या हो गया
कि आप वापस हमारे स्टोर पे आई। हाँ। बोले वैशाली जी, अब ये तो आप हैं तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं उस दिन आपके यहाँ से स्टोर में से निकलने के बाद हाँ। मार्केट में गई और मैंने किसी लोकल शॉप से उसी दाम में साड़ी और ब्लाउज का कॉम्बो खरीदा। हाँ। जिस दाम में आपके यहाँ पे सिर्फ ब्लाउज मिल रहा था हाँ। उतने में मैंने बाहर से साड़ी और ब्लाउज दोनों खरीदा। ओके। तो मैं तो इतनी खुश हो गई हाँ। कि मैंने बहुत अच्छा डील क्रैक किया। फिर जिस दिन उनको रिसेप्शन में ये चीज पहन के जानी थी हाँ। वो पहन के गए हाँ। और रिसेप्शन में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ जितनी भी कैटरिंग की लेडीज थी उन्होंने सेम साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था। Oh God! Then she realized कि designer चीज क्या होती है। Oh my God! Oh my God! That's so embarrassing. That was so embarrassing. और वो मतलब तैयार होके भी उस function में गई, लेकिन उसने वो attend नहीं किया और उसी वक्त वापस आई। Oh God! तब मतलब उनको realize हुआ कि आज हम अगर किसी ब्रांड में पैसे डाल रहे हैं हाँ। उसकी एक्सक्लूसिवनेस पे पैसे डाल रहे हैं तो दैट इज वर्थ इट। यस, दैट इज वर्थ इट। एक्सक्लूसिव मींस एक्सक्लूसिव। हाँ, मतलब हाँ। पैसे डालने के बाद भी अगर आपको वही दूसरे कैटरिंग लेडीज जैसा ही दिखना है तो कोई मतलब नहीं है मतलब। तो दैट वॉज द डे एंड शी वॉज लाइक, आज की डेट में भी आज 10 साल हो गए वो क्लाइंट ने हमारा स्टोर नहीं छोड़ा है। शी इज अवर रेगुलर क्लाइंट। Wow, खुद wow. भी आती है और अपनी सारी फैमिली फ्रेंड्स को भी ले आती है कि यहीं से ही ब्लाउज खरीदो। तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और आपको पता है कि वुमेन इज लाइक यू नो माउथ पब्लिसिटी बहुत है। यस यस, बहुत ज्यादा। चलिए मैम, ओके, नाउ इफ आई लेट्स गो बैक इनटू द टाइम व्हेन यू वर यंग, अगर कोई पीस ऑफ एडवाइस आप अपनी 20 इयर्स ओल्ड वैशाली को देना चाहे, पहली तो वो क्या होगी? एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर आर न्यू कमर्स न्यू डिज़ाइनर्स, उनके लिए कोई एक पीस ऑफ एडवाइस। देखो, जब मैं छोटी थी तो उस वक्त लाइक एक बचपन में कहते जुनून था, मजबूरी भी थी कि करना है हाँ। तो उस वक्त क्या होता था कि मतलब काम के चक्कर में मैंने कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया हाँ। तो बचपन में मैं मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मुझे होते थे ओके। तो वो हेल्थ इश्यूज आज की डेट में भी कहीं ना कहीं मुझे अभी भी अफेक्ट कर रहे हैं मतलब। तो मतलब मैं आज की जनरेशन को यही कहना चाहूंगी हाँ। कि जो भी आप कर रहे हो जी। चाहे कितने भी इनिशियल स्टेज पे हो या कुछ भी हो, गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ एंड द फूड हैबिट्स एंड द स्लीप। हेल्थ इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ऑफ कोर्स, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड हेल्दी है देन यू आर, क्योंकि ये चीज क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यू वोंट बी एबल टू गिव योर बेस्ट क्रिएटिविटी। जी, सो दैट मैटर्स अ लॉट। यस, तो दैट इज द पीस ऑफ एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव माय यंग सेल्फ एंड द न्यू जनरेशन नाउडेज, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है एंड देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड। सो मेंटल वेलनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल है भी, लोग जा भी मतलब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मेंटल हेल्थ, क्योंकि पहले कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज पे इतना बातें नहीं होती थी, दे वर नॉट अवेयर। बट रीसेंट ईयर्स में जनरेशन वाइज जनरेशन ने भी समझा है, आई मीन यंग जनरेशन ने भी एंड इनफैक्ट द ओल्ड जनरेशन ने भी समझा है कि मेंटल हेल्थ क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ऑफ कोर्स, आपके हिसाब से मैम मेंटल हेल्थ आपके लिए कितनी जरूरी थी? कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा कभी आया जब आपको आपने ऐसी कोई चीज फेस की अपनी लाइफ में? आई हैड बीन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, आई मीन इन माई पर्सनल लाइफ और बिजनेस प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे कोविड आ गया, साइक्लोन, ये वो। तो मतलब उस वक्त फैमिली, मैंने तो खैर बचपन से ही ये सारी चीज़ें देखी ही अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैंने काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है मेरा वो लाइफ टाइम पूरा। सो देर आई हैड गॉन थ्रू लॉट ऑफ बैड फेजेस इन माई लाइफ, मतलब पर्सनल इश्यूज से लेके सब कुछ। तो एट दैट टाइम माई मेंटल हेल्थ वॉज लिटरली डिटीरियोरेटेड, पूरी ही मतलब पूरी तरह ख़राब थी। उसके बीच में मैंने इस काम को, क्रिएटिविटी को अपनाया ताकि मैं कहीं ना कहीं मतलब अपना मेंटली अपने आप को फ्रेश रख सकूं। जब मैं अपना दूसरा काम करती थी टीचिंग का और रेस्टोरेंट का, तो वो एक सोलली इसलिए कर रही थी बिकॉज आई नीडेड टू अर्न, दैट वाज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मी, उसलिए मैं कर रही थी।
लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे काम ऐसा करना चाहिए कि जिसमें मेरे को मज़ा भी आए, खुशी मिले, और मतलब मेरा मेंटल स्टेटस अच्छे से, मतलब मेंटली आप फ्री रहे, फ्री रहे, पीस रहे आपके दिमाग में। तो मैं शुरू से ही मतलब बहुत क्रिएटिव रही हूँ, और मैंने बहुत सारे मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं मेरे ड्राइंग, पेंटिंग और इन सब चीज़ों में। जब मैं स्कूल में थी तभी भी आई हैड बीन अवार्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो उस वक्त मेरे को सम्मानित किया गया था। तो मैं मतलब शुरू से ही बहुत क्रिएटिव रही हूँ, लेकिन मैंने एक अपनी जो सिचुएशन थी, फैमिली सिचुएशन, उसको संभालने के लिए मैंने जल्दी से मतलब वो अर्निंग लाइफ शुरू हो गई मेरी, तो मेरे को वो चीज़ें करनी पड़ी। बट लेकिन जब मैं समझदार हुई और मुझे समझ में आया कि नो, योर मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने वही काम किया कि जो मुझे अच्छा लगा, जिससे मेरे को खुशी मिलती है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ग्रेट मैम। ओके, नाउ वी वांट टू नो, आवर व्यूअर्स वांट टू नो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके, कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, कोई बड़ा अनाउंसमेंट या कुछ ऐसा जो हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टिंग, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो। साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपके अवार्ड्स और रिकग्निशन के बारे में, बिकॉज यू हैव बीन इन इंडस्ट्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। क्या क्या अवार्ड्स, क्या क्या रिकग्निशन आपको मिले हैं आपकी, बिकॉज इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री और आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं एंड योर वर्क इज जस्ट एक्सेप्शनल। थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स को। आई हैव बीन अवार्डेड प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड। अदर देन दैट आई हैव बीन अवार्डेड बाय एस्ट्रोलाज ऑफ कच्छ डेजर्ट डॉयंस बाय आवर कैबिनेट मिनिस्टर। And recently I got awarded 40 under 40 for the year 2023 by Indian Alert. Wow. So yeah, I have been awarded by a lot of media houses also. So that is an achievement. And if you talk about the future projects, of course we are coming up with our two international stores, UK and US. Okay. And there are many other projects coming up aligned, like, you know, we have been going to collaborate with many big giant companies. Okay. But that announcement I would do later on, because that's like, you know, when it would be completely official to announce. Okay. I would definitely announce that. But right now, yeah, we are coming up with many other stores. And yeah, our brand is now, earlier it was proprietorship, now it is private limited. Okay. And we have incorporated two brands under one roof. Earlier it was only Just Blouses, now it's Just Blouses and also label Vaishali Shah. Okay. So in Just Blouses, we have the sarees and blouses and the accessories related to saree blouse. Huh. And in label Vaishali Shah, you have all the other Indo-Western, Western, traditional, everything. So now under one roof you can cater to everything. Okay, great ma'am, congratulations, and we hope, thank you so much, ke aapke future announcements jaldi se jaldi hame sunne ko mile. Okay, last but not the least question ma'am, ke what do you, what legacy do you want people to remember through your work? What legacy do you want to leave behind for the people to remember through your work? So it's like only the cultural legacy which I would like people to, you know, remember, whether I'm there or not. This trend and our culture and the love for our Indian fashion should always be alive. That should never go. I mean, you know, आज तक हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया था, बट नाउ आई वॉन्ट आवर फ्यूचर जनरेशन टू इंस्पायर वेस्टर्न कल्चर थ्रू इंडियन फैशन, एंड द डेज आर रियली वेरी नियर कि हम लोग अभी फॉरेन कंट्रीज में भी देखेंगे कि हमारे इंडियन कपड़े पहने जा रहे हैं, फॉरेन सेलिब्रिटीज भी हमारे कपड़े पहन रहे हैं। We feel very proud. Of course, and it's all thanks to our Prime Minister and his policies and the work he has done, the commendable work he has done. So, of course, India is going to rock in near future, and Indian fashion industry is definitely going to rule the world. Great, ma'am. Okay, चलिए अब थोड़े से fun rapid fire questions में आपसे कुछ करना चाहूँगी. Okay, first question: morning person or night owl?
मॉर्निंग पर्सन. ओके, योर वन फेवरेट फैशन ट्रेंड दैट इज योर ऑल टाइम फेवरेट, कोई एक फैशन ट्रेंड जो हमेशा आपका ऑल टाइम फेवरेट? साड़ी ब्लाउज, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट इन दैट. ओके, फेवरेट सिटी फॉर योर फैशन इंस्पिरेशन? मुंबई. ओके, गो टू एसेसरी यू कैनॉट लीव द हाउस विदाउट? वॉच. ग्रेट. वन फेवरेट थिंग अबाउट बींग एन एंटरप्रेन्योर? Sorry? One favorite thing about being a businesswoman. One favorite thing being a businesswoman? Punctuality. Okay. If you weren't in the fashion industry, which career would you have pursued? Of course, teaching. I would have been, you know, a principal of some school or college. The legacy would have just been maintained. Of course, just like my mom and grandmother. Okay, the legacy would have been maintained. अगर आप fashion industry में नहीं आती तो वैशाली जी जरूर शायद किसी school में बच्चों की पिटाई कर रही होगी. Okay, one word to describe your fashion philosophy. Sustainable. Great. And favorite way to unwind your busy day? Reading books. Great. We are really happy to have you on our episode, ma'am, on our channel. Thank you so much for giving us time, and we really enjoyed having conversation with you, and I hope hamare viewers ko bhi bahut sari fashion tips and tricks mili gayi hongi. Main to personally le hi lungi baad mein ma'am se. लेकिन आपको भी डेफिनेटली बहुत सारी ट्रिक्स मिल गई होंगी, टिप्स भी मिल गई होंगी. सो थैंक यू सो मच मैम. प्लेजर इज ऑल माइन, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. थैंक यू सो मच.